अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज की वीडियो अगस्त, फर्स्ट ऑफ दी अगस्त के हवाले से है और इसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द अवेयरनेस ऑफ दी लंग्स प्रिवेंशन, यानी आपके फेफड़ों की सेहत के लिए आलमी दिन के तौर पे इसे मनाया जाता है, एक अवेयरनेस दी जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने लंग्स का ख्याल रखना चाहिए। और वो कैसे हम रख सकते हैं, एक तो ये कि एक्सरसाइज जो है वो लाजमी तौर पे कीजिए, दूसरी बात ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा आप जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको जहन में रखिए। यानी कि सबसे अहम बात ये कि पोल्यूशन बहुत बड़ी कॉज होती है जो लंग्स को ख़राब करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और साथ ही साथ आप अगर किसी ऐसी वर्क प्लेस पे हैं, यानी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां आपका वास्ता बहुत ज़्यादा स्मोक से है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके लिए फिर आप मास्क का यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि एयर इंडेक्स को प्योरीफाई कीजिए और ऐसी जगह को अवॉइड करें कि जहाँ पर ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप करती है। तो यकीनन आप अपने इस तरह से लंग्स का ख्याल कर सकेंगे। बात कर रहे हैं हम लंग्स कैंसर के हवाले से, तो लंग कैंसर जो है इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन कि अगर जब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दे। देखिए, कैंसर किसी भी अज़ा का हो, जब वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है और उसकी रूट्स जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वो पेनफुल भी होता है और थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो उसके रिस्क को कम किया जा सकता है जब हम प्रिवेंशंस करें। प्रिवेंशंस में सबसे बड़ी वजह जो जिसको आपने दूर करना है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट स्मोकिंग, क्योंकि लंग कैंसर सबसे ज़्यादा मेल्स में इसकी रेशो देखी जाती है। और क्योंकि स्मोकिंग जो है वो एज ए ट्रेंड भी यूज़ होता है और एडिक्शन के तौर पे भी होता है, तो ये आपको बताती चलूँ कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए डेंजरस है। स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। स्मोक इज़ अ डेंजर, स्मोक इज़ एनिमी ऑफ योर लंग्स। आपने क्या है कि देखें, अपने इन्वायरमेंट को आपके स्मोक फ्री होना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल रखिए। अब वो अगर वो व्हीकल्स का जो स्मोक है वो है, ठीक है, आपके किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको या तो अवॉइड करें या उससे दूर रहिए, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। फिर इसके अलावा सिगार्स, सिगरेट्स, पाइप्स, किसी भी फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, कौन सी डाइट है, कौन सी चीज़ है कि जिसको आप इस्तेमाल करें अगर, तो क्या है कि आप इससे बच सकते हैं। उसमें ये कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, आप उनको अगर इस्तेमाल करें तो वो आपके लंग्स के लिए अच्छी हैं। और फिर इसके साथ ही साथ आपको बताती चलूँ, बेरीज बहुत अच्छी हैं और हर वो फ्रूट, हर वो वेजिटेबल जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है और आपके लिए हेल्दी होती है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और फिर ये आपको बताती चाहूँ कि ये पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा जब ये स्प्रेड कर जाता है। देखिए, हमारे लंग्स की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके ऊपर अगर कोई ट्यूमर बन जाता है तो वो क्या होता है कि जब वो स्प्रेड करता है, जब वो फैलता है, उसकी नर्व्स रूट बनाती हैं, तो उसकी वजह से पेन रेडिएट होती हुई बोन्स की तरफ जाती है। और फिर जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि पेनफुल हो जाती है कंडीशन। तो ऐसी सूरत हाल में जाने से पहले अगर आप फेफड़े की किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते और वो क्रोनिसिटी की तरफ चली जाती है, तो क्या है कि वो लंग कैंसर का बायस बनती है। तो हमें है चूँकि आपका ख्याल, तो इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये अवेयरनेस आपकी ही जो है बेटरमेंट के लिए दी जा रही है। होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपना बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है।